गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम कुलाल है और मैं आज आपके सामने कविता पढ़ने वाला हूँ। कविता इस बात पर है कि जब कोई इंसान जिससे आप बहुत प्यार करते हैं वो आपको छोड़कर चले जाता है और बिना रीज़न बताए, तब आप ये बहुत गुस्सा आता है। आप ये सोचते हैं कि यार ये क्या हुआ, फिर आपके दिमाग में बस एक ही चीज़ें आती हैं कि अब कभी मत आना, कुछ भी हो जाए मेरे पास कभी मत आना। तो इस पर एक पंक्तियाँ हैं, उसके पहले मैं दो लाइन पेश करना चाहूँगा कि कितनी खूबसूरत निगाहों से देखती हो तुम मुझे कि मेरा कत्ल सरेआम हो जाता है। कि कितनी खूबसूरत निगाहों से देखती हो तुम मुझे कि मेरा कत्ल सरेआम हो जाता है। कैसे बताऊँ क्या नशा है तुम्हारे इन होठों में कि इन होठों से पिया पानी भी शराब हो जाता है। तो अपनी कविता शुरू करता हूँ। कल तेरी तस्वीर देखी मैंने जो तूने उसके साथ खिंचाई थी। कल तेरी तस्वीर देखी मैंने जो तूने उसके साथ खिंचाई थी। मुझसे कहती थी ना बहुत क्लोज हो तुम, फिर कैसे तूने ये बात छुपाई थी। सच तो देखा है मैंने, अब मत करना कोई बहाना। वो होगा भले ही मुझसे अच्छा, पर कभी याद मेरी आए तो यार अब मेरे पास मत आना। कभी कहा था ना तूने कि हमारे लम्हे होंगे, कभी मेरे कंधे पर सर रखकर सोती थी। कभी कहा था ना तूने कि हमारे लम्हे होंगे, कभी मेरे कंधे पर सर रखकर सोती थी। हाथों को पकड़कर मेरे हर शाम पहलती थी। कभी मैं बातें करता तो कभी कुछ तुम कहती थी। कहाँ गई वो शाम, कहाँ गया वो साथ तेरा। अब झूठे वादे अपने हमें मत गिनाना, चाहे जैसा हो तेरा प्यार मुझे कोई गम नहीं। पर कभी याद मेरी आए तो यार अब मेरे पास मत आना। वक्त था वो भी एक जब रेस्टोरेंट में बातें हमारी होती थी। वक्त था वो भी एक जब रेस्टोरेंट में बातें हमारी होती थी। वो चाय के प्याले में चुस्की पहले तुम्हारी होती थी। कभी मैं कुछ अपने किस्से सुनाता, कभी तुम्हारी नटखट सी कहानी होती थी। वक्त था वो भी एक जब रेस्टोरेंट में बातें हमारी होती थी। वो चाय के प्याले में चुस्की पहले तुम्हारी होती थी। कभी मैं कुछ अपने किस्से सुनाता, कभी तुम्हारी नटखट सी कहानी होती थी। अब तुम किसी और के किस्से सुनना, हमारे रेस्टोरेंट की कहानी उसे सुनाना। हमारी यादें बस इतनी ही थी, अब उसके साथ तुम यादें बनाना। पर कभी याद मेरी आए तो यार अब मेरे पास मत आना। कभी पलक झपकते रिप्लाई किया करती थी। कभी पलक झपकते रिप्लाई किया करती थी। पर तेरे लेट रिप्लाई में समझ ना पाया, बिजी हूँ कहकर फोन काट देती। पर मुझे कहाँ पता था तुम्हारे पास कोई दूसरा खिलौना था आया। खेल लिया ना मुझसे अब मुझ पर वो प्यार की बैटरी फिर मत लगाना। मैं टूट जाऊँगा बिखर जाऊँगा, पर मेरी मरम्मत अब कभी मत करवाना। और फिर भी कभी याद मेरी आ भी जाए तो यार अब मेरे पास मत आना। आखिरी की कुछ पंक्तियाँ हैं। सुना है वो तुझसे बहुत प्यार करता है, मैम आप समझ पाए। सुना है वो तुझसे बहुत प्यार करता है, हर जगह तेरे साथ चलता है। अकेले जाने देता नहीं है कहीं, हर घड़ी तेरे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के डीएम पर सवाल करता है। क्या यही प्यार है जो तू चाहती थी, क्या यही प्यार तूने पहचाना। अब पछता कर क्या मतलब, मुझे पहले की तरह अपने शिकवे मत सुनाना। बहुत मन होगा ना तेरा मुझसे मिलकर बातें करने का, बहुत मन होगा ना तेरा मुझसे मिलकर बातें करने का। अब पहले की तरह अपने दर्द मुझे मत बताना। वो वक्त गुजर गया जब तेरी खामोशी भी सुनता था। अब तू मेरे कॉल पर, मैसेजेस पर और ख्यालों में तक मत आना। और फिर भी कभी याद मेरी आ भी जाए तो यार अब मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना।